अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, टुडे आवर टॉपिक इज नंबर एंड नंबर नेम्स इंक्लूडिंग बिलियंस। कल हम लोगों ने रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स किए थे, नंबर्स को रीड किया था और उनको वर्ड्स में लिखा था। आज हमें वर्ड्स में गिवन है और उनको हमने नंबर्स में लिखना है। क्वेश्चन, राइट इन नंबर ऑफ द फॉर्मिंग, हमने वर्ड्स को नंबर्स में लिखना है। आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि हम लोग वर्ड्स में गिवन होंगे और नंबर्स में हम कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल्स करते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोगों को समझाती हूँ कि हम लोग इनको वर्ड्स को नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर वन है 25,325,115। ये वर्ड्स में गिवन है, हमने इनको नंबर्स में लिखना है। सबसे पहले हमने प्लेस वैल्यू का स्केल बनाना है और क्या गिवन है 25 मिलियन, यानी कि हम 10 मिलियन तक प्लेस वैल्यू का स्केल बनाएंगे। प्लेस वैल्यू का स्केल आप लोगों को पता है, आप लोगों ने बिलियन तक स्केल आपको बताया है। ऑलवेज स्टार्ट प्लेस वैल्यू स्केल फ्रॉम यूनिट, यूनिट से स्टार्ट होते हैं, यूनिट फिर टेंस, फिर नेक्स्ट 100, देन 1000, 1000 को TH, 1000 के बाद 10,000, टी फॉर 10, टी एच फॉर 1000, 10,000 के बाद 100,000, एच फॉर 100, टी एच फॉर 1000, 100,000, 1000 के बाद कोमा आता है, 100,000 के बाद आता है मिलियन, मिलियन के बाद भी कोमा आते हैं, मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन, टी फॉर 10 डॉट और एम 10 मिलियन। क्वेश्चन में क्या गिवन था 25 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन तक हम स्केल बनाएंगे। स्केल क्या है, यूनिट टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। अब हमने वर्ड्स को नंबर्स में लिखना है। सबसे पहले क्या है 25 मिलियन, ग्रुप्स कौन से हैं मिलियन का और 25, 10 मिलियन और मिलियन के नीचे हम लिख लेंगे 25, 10 के नीचे 2 और मिलियन के नीचे 5, यानी कि 25 मिलियन, उसके बाद कोमा। नेक्स्ट 1000 के ग्रुप में क्या लिखेंगे, 325,000, 1000 के ग्रुप में 325,000, 300 को हम कैसे लिखते हैं, 300 है ना, तो 100,000 के नीचे हम लिखेंगे 3 और 10,000 और 1000 के नीचे लिख लेंगे 2, 5, 10,000 के नीचे 2, 1000 के नीचे 5, तो ये क्या बन गया 325,000। आप लोगों को कल वर्ड्स में लिखना सिखाया था ना, जो 1000 के ग्रुप्स होते हैं तो उसमें हमने 1000 के डिजिट्स लिखने हैं। दोबारा बता रही हूँ, 325,000 है तो 3, 2, 5, 100,000, 10,000 और 1000 के ग्रुप में 3, 2, 5 लिख लिए। अब नेक्स्ट है 115, 100 के नीचे हम लिखेंगे 1 और 15, 10 और यूनिट के नीचे लिखेंगे, 10 और यूनिट के नीचे 1 एंड 5, 15 को हम ऐसे लिखते हैं ना 1 और 5, तो हमने लिख लिया 115, तो ये कैसे बना 25 मिलियन, 10 मिलियन और मिलियन के नीचे 2, 5 लिखे, कोमा 325, ग्रुप कौन सा था 1000, तो हमने लिख लिया 100,000 के नीचे 3, 10,000 के नीचे 2 और 1000 के नीचे 5, तो ये क्या बना 325। सबसे पहले क्या था 25 मिलियन, तो हमने 2 और 5 लिखा, फिर क्या था 325,000, तो हमने 100,000 और 10,000, 325,000, 1000 के ग्रुप था ना, तो हमने 3, 2, 5 लिखे है। और लास्ट में एच टी यू की जगह क्या आएगा 115, तो ये 115, यानी कि हमने इनको नंबर्स को मिला के लिखा है। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल भी आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है 461,100,782। इसमें 461 मिलियन, यानी कि प्लेस वैल्यू का हम स्केल 100 मिलियन तक बनाएंगे। प्लेस वैल्यू का स्केल 100 मिलियन तक बनाते हैं, हमने प्लेस वैल्यू का स्केल 100 मिलियन तक बनाया, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन।
कोमा हमें पता है मिलियन के बाद और थाउजेंड के बाद आता है। अब हमने इनको वर्ड्स को नंबर्स में लिखना है। सबसे पहले क्या है, 461 मिलियन, ग्रुप कौन सा है, मिलियन का, और क्या है 461। 461 को हम कैसे लिखते हैं, 100 मिलियन के नीचे आ जाएगा, 100 के क्या है 4, 100 मिलियन के नीचे लिखेंगे 4, फिर क्या है 61, 10 मिलियन के नीचे आएगा 6 और मिलियन के नीचे 1, 461 मिलियन, ग्रुप था मिलियन का ना, तो 461 मिलियन, फिर कोमा, नेक्स्ट क्या है 100,000, थाउजेंड में पूरा 100,000 है, लास्ट में कोई डिजिट्स और नहीं है, कोई और वर्ड्स नहीं है, 100,000। तो 100 को हम कैसे लिखते हैं, 100,000 के नीचे 1, 10,000 और 1,000 की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा उन्होंने कहा है 100,000, 100 ऐसे बनता है ना 100, 10,000 और 1,000 की जगह 0 आ जाएगा 100,000, फिर कोमा, और लास्ट में HTU की जगह क्या आएगा 782, 100 के नीचे 7 और 82, 10 के नीचे 8 और यूनिट के नीचे 2। दोबारा बता रही हूँ आप सुने, 461 मिलियन, मिलियन का ग्रुप क्या था 461 मिलियन, फिर क्या था 100,000, 100 हमने लिखा, ग्रुप कौन सा था 1,000, तो ये 100,000, 10,000 और 1,000 की जगह हमने 100 लिख लिए। लास्ट में HTU की क्या था 782, 782, ये वर्ड्स को नंबर्स में लिखा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 आपको समझाती हूँ। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है 621,234,501। हमने प्लेस वैल्यू का स्केल कहाँ तक बनाएंगे, 621 मिलियन, 600 है, ग्रुप कौन सा है मिलियन का, मींस हमने 100 मिलियन तक प्लेस वैल्यू का स्केल बनाएंगे। हमने 100 मिलियन तक स्केल बनाया, यूनिट 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000, कोमा हमें पता है कि राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगाते हैं, 1,000 के बाद, यूनिट 10, 100, 3 डिजिट 1,000 के बाद और फिर 1, 2, 3 मिलियन के बाद कोमा लगाते हैं क्वेश्चन में। अब वर्ड्स को हमने नंबर्स में लिखना है। सबसे पहले हम रीड करेंगे मिलियन वाले ग्रुप में क्या लिखा हुआ है, 621 मिलियन, मीन्स 100 मिलियन के नीचे आएगा 6, क्योंकि 100 मिलियन का मिलियन का ग्रुप है ना, तो इसमें 100 में क्या है 600, तो 100 मिलियन के नीचे आएगा 6, फिर नेक्स्ट क्या है 21 मिलियंस, मीन्स 10 मिलियन के नीचे 2, 10 मिलियन के नीचे 2, मिलियन के नीचे 1, क्योंकि 21, 10 मिलियन और मिलियन मिलके 21 बनता है ना, साथ ग्रुप कौन सा था मिलियन, 621 मिलियन, इनको नंबर्स में ऐसे लिखे, फिर कोमा, नेक्स्ट 1,000 ग्रुप में क्या आएगा 234,000, 100,000 के नीचे 2, 34, 10,000 के नीचे 3 और 1,000 के नीचे 4, 234,000, 1,000 का ग्रुप है ना, तो 100,000, 10,000 और 1,000, 234,000, कोमा, और लास्ट में 100 ग्रुप में क्या आएगा 501, 100 के नीचे 5 और लिखा हुआ 1, यानी कि 10th में 0 आएगा। जब भी वर्ड्स में कुछ गिवन ना हो तो उस प्लेस में हम 0 लिखते हैं। अब इसमें ओनली 1 गिवन है, तो 1 यूनिट है, 10 प्लेस में कुछ नहीं है, तो हम 10 की जगह 0 लिख लेंगे और यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 1, 501, 1 गिवन था ना, तो 1 यूनिट है, 1 को आपने 10 पे नहीं लिखना, 10 पे लिखेंगे तो वो 10 बन जाएगा, तो हमने 1 था, 1 यूनिट था, तो हमने यूनिट प्लेस पे लिखा है और 10 की जगह 0 लिख दिया है। जब भी वर्ड्स में नंबर्स में लिखते हुए कुछ नहीं गिवन तो उसकी जगह हम 0 लिख लेंगे। जिस तरह 1 अकेला था तो हमने यूनिट पे लिखा है, इसको हमने 10 पे नहीं लिखना था, 10 पे लिखते तो वो 10 बन जाना था, इसलिए क्या बने 621,234,501। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल भी, एक और एग्जांपल भी आपको समझाती हूँ।
अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल नंबर फोर है 786,444,111। इसमें है 786 मिलियन। इसमें भी हम प्लेस वैल्यू का स्केल 100 मिलियन तक बनाएंगे, प्लेस वैल्यू का स्केल बनाते हैं। प्लेस वैल्यू का स्केल हमने 100 मिलियन तक बनाया है। अब हमको वर्ड्स को नंबर्स में लिखना है। क्या है 786 मिलियन? 100 मिलियन की जगह लिखेंगे 7, फिर क्या है 86 मिलियन, 10 मिलियन के नीचे 8 और मिलियन के नीचे 6। क्या बना 786 मिलियन। ग्रुप कौन सा था? मिलियन का। तो 700 मिलियन के नीचे 8, 10 मिलियन के नीचे 6 मिलियन के नीचे 786 मिलियन, थाउजेंड के बाद कॉमा। नेक्स्ट क्या है 444,000, थाउजेंड के ग्रुप में क्या है 444,000, तो 100,000 के नीचे क्या आएगा 4, 10,000 के नीचे क्या आएगा 44 है तो 10,000 की जगह भी आएगा 4 और 1,000 की जगह भी 4, 444,000, 444,000, 1,000 के बाद कॉमा और लास्ट में क्या है 111, 11 गिवन है तो 100 की जगह 1, 11, 10 पे भी आएगा 1 और यूनिट पे भी आएगा 1, 111, 786,444,111। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, वर्ड्स में गिवन है ओनली 3 बिलियन, तो यानी कि प्लेस वैल्यू का स्केल हम बिलियन तक बनाएंगे, स्केल बनाते हैं। क्वेश्चन में 3 बिलियन गिवन था एग्जांपल में, तो हमने प्लेस वैल्यू का स्केल बिलियन तक बनाया है। कॉमर्स हमें पता है 1,000 के बाद, मिलियन के बाद और बिलियन के बाद आता है। राइट साइड से 3 डिजिट्स, आफ्टर 3 डिजिट्स कॉमा लगाते हैं। तो अब हमने लिखना है इनको वर्ड्स को नंबर्स में। 3 बिलियन यानी कि बिलियन के नीचे आ जाएगा 3 के बाद कॉमा, आगे ओनली 3 बिलियन गिवन, आगे कुछ नहीं गिवन। लेकिन हमने इसलिए बाकी तमाम जगह पे हम 100 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन, 100,000, 10,000, 1,000, 100, 10s, यूनिट, तमाम जगह पे हम 0 लगा देंगे क्योंकि 3 बिलियन इन्होंने कहा है। 3 मिलियन बिलियंस को हमने नंबर्स में ऐसे लेंगे, बिलियन के नीचे 3, जबकि बाकी तमाम प्लेस में 0 आएगा। और 3 बिलियंस में 0 कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बिलियन में 9 ज़ीरो होते हैं, तो हमने बिलियन के नीचे 3 और बाकी तमाम प्लेस में 0 लगा दिया है। 5 क्लास, आज आप लोगों को राइट द नंबर्स इन, राइट इन नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग्स, हमने वर्ड्स को नंबर्स में लिखा है। आप लोगों को 5 एग्जांपल्स बताई हैं, आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ के इन 5 एग्जांपल्स की लूज शीट पे प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।